रहे रेड डॉट के साथ यहाँ पे स्प्रे कनेक्ट करने की ट्राई विद द M4, बट जो ट्राई थी वो फेल हो जाएगी। सोल की मैं बात करने वाला था, सोल भी थोड़ा सा इनके पीछे से भी टीम आ रही थी और इनके आगे जो थी TSM एंटिटी थी, बट अभी के लिए रेगल्टॉस और उनके टीममेट जो है सिनर्जी की टीम पे यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करेंगे। सेल्स के अल्ट्रॉन वहाँ पे प्लेजोन के द्वारा डाउन होते हुए MJ आई थिंक अब आखिरी प्लेयर बचे हैं सेल्स की तरफ से, एंड कैन ही मेक इट एंड क्योंकि शॉट्स हर जगह से आ रहे हैं, रेगल्टॉस स्पॉट आउट कर लेंगे और सिनर्जी के सीर भी जो है उन्होंने वहाँ पे वो फिनिश ऑफ निकाला सेल्स का। बिल्कुल वहाँ पे कहीं और साइड से रेगल्टॉस वहाँ पे उस वाले वो जो विंडो वॉल्ट करके बाहर गए जस्ट इन केस की वहाँ पे एक क्लियर विजन मिले, बट वहाँ पे उस टाइम तक फिनिश कर दिया गया था। बट यहाँ पे पैराडॉक्स मिनी 14 चलाते हुए सामने TSM के दो प्लेयर को पिन करके रखा उस वाले स्मोक में। अब यहाँ पे मेगा स्टार्स के पास एक अलग ही लेवल का जो एक कवर है, एक हिल है, बट यहाँ पे दो टीम ऐसी है जो दिक्कत में आ सकती है अगर एक बिल्कुल ही ऑपोजिट शिफ्ट लेता है जोन हमारा। तो TSM एंटिटी वहाँ पे मावी को नॉकडाउन कर रहा है, बट यहाँ पे वीरू अकेले प्लेयर बचे हुए, वो भी ग्रेनेड डालने की कोशिश कर रहे हैं, क्या नॉकडाउन होते हुए नजर आएंगे। वेक्सी को यहाँ पे नॉकडाउन करा, 1 HP दे वहाँ पे, स्वैग को भी यहाँ पे नॉकडाउन करा, 1 vs 2 कर चुके हैं। पैराडॉक्स यहाँ पे अकेले बचे बट वो बहुत ज्यादा दूर है। यहाँ पे किल्स वीरू अपने नाम करना चाहेंगे बिकॉज ये जो फाइट है बहुत मुश्किल रहने वाली है मेगा के प्लेयर्स के लिए। ऑनकोर हालांकि पीछे आते हुए बट वहाँ पे स्वैग को पूरा फिनिश करा एंड यहाँ पे एक और किल कंफर्म कर सकते हैं। वेक्सी को भी यहाँ पे डैमेज दिया थोड़ा बहुत, बट वीरू यहाँ पे 1 vs 2 क्लच करते, वो जो ग्रेनेड का डैमेज था दैट वाज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज स्टार्टिंग में ओके वहां पे ऑस्टिन वॉर्टेक्स अपने आप को नॉकडाउन कर चुके हाई रिप से जंप करा के, 1 HP है, अब यहां से फिनिश करेंगे। वीरू अपने नाम 2 kill ले चुके हैं, ऑन कोर भी उनके ऊपर आते हुए अपने टीममेट्स को सपोर्ट देने की कोशिश करेंगे, पर जो स्मोक से वो थोड़ा सा सोल के प्लेयर्स को एक एडवांटेज देंगे। क्लच गॉड यहाँ पे FPP पे स्विच कर सके और प्रिपेयर्ड है कि सामने से कोई प्लेयर चार्जिंग करेगा तो उन्हें पार करेंगे। वीरू ने काफी ज्यादा डैमेज दिया बट अनेबल टू ब्लो अप द व्हीकल और फिनिश ऑफ द प्लेयर्स, वो एलिमिनेट हो जाएंगे और अब ऑरेंज रॉक के लिए दिक्कतें बढ़ेंगी क्योंकि अब बात आ चुकी TSM कितना आगे जाने वाली है। इसी के साथ मेगा स्टार्स भी गेम से एग्जिट लेती हुई एंड मार्कोस गेमिंग एज वेल डाउन टू द टॉप 4 टीम्स जिसमें सोल अभी भी जिंदा है विद जस्ट 1 प्लेयर जो कि रेगल्टॉस है। TSM एंटिटी बैक टू बैक 3 games क्या एक धमाकेदार परफॉर्मेंस देंगे क्योंकि 9 kills कंफर्म कर चुके और अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहे। यहां से मेरे को लग रहा है कि TSM एंटिटी ये वापस से वही वाली सिचुएशन बनती हुई जहां पे मेगा ऑनकोर उन दो रिजेस के बीच से आए थे राइट हैंड साइड पे जब एलिमेंटर्स के स्क्वाड जोन से मरे थे, बट ये वाली जो फाइट है VSG क्रॉलर्स ये थोड़े से डिफिकल्ट रहने वाले बिकॉज VSG क्रॉलर्स के तीनों पीछे की जस्ट टू क्लियर दैट गाय वहां पे रेगल्टॉस ही हैव टू बी रेडी फॉर दैट 1 vs 2 सिचुएशन। यहां पे रेगल्टॉस को स्पॉट कर रहा है एंड फिनिश कर रहा है एट द सेम टाइम। क्लच गॉड यहां पे रैम्पेज में आते विद 5 kills ओवर देयर एंड जेड गॉड अब अपर हिल से ट्राई करेंगे वहां पे प्लेयर्स को नॉकडाउन करने की, वहां पे डैमेज खा के वापस जाते हुए उस कंपाउंड के पीछे एंड अब मुश्किल हो जाएगा। जेड गॉड यहां पे वापस एक ग्रेनेड पुल करते बिकॉज उस वाले कंपाउंड के पीछे गिरा तो 2 knock एक एग्जैक्ट पॉइंट पे वहां पे उन लोगों को मिलते हुए नजर आएंगे। बट ये जेड गॉड वाली जो फाइट है ये थोड़ी सी स्टार्टिंग में मुश्किल रहने वाली बिकॉज ये लोग अपर हिल से नीचे आएंगे, इनके पास एक अच्छा खासा कवर भी है अपर हिल की बात करें, VSG क्रॉल्स के पास कंपाउंड एट द सेम टाइम। सो 8th zone तक वाली फाइट हमारे जाते हुए नजर आ सकते हैं अगर दोनों टीम पेशेंटली वेट करे तो। डेफिनेटली एक पेशेंस की डैमेज आता हुआ बट यहाँ पे HB को नॉकडाउन किया जाएगा, दैट्स गोना लीव VSG विद जस्ट 2 players स्टैंडिंग। ईवो और अभी बचे हैं यहाँ पे, अभी क्लच गॉड को स्पॉट कर लेंगे बट नॉकडाउन हो जाएंगे एंड दैट आई थिंक हैज टू बी द गेम फॉर TSM एंटिटी क्योंकि मैन एडवांटेज अब उनके पास है 3 vs 1 की सिचुएशन और अभी को नेक्स्ट लेवल एक नेक्स्ट लेवल असॉल्टिंग दिखानी होगी अगर उन्हें ये फाइट जीतनी। मोलोटॉव्स डालते हुए जोनाथन नियो यहाँ पे फ्रंट मैन रहेंगे इस असॉल्ट में, अभी की हेल्थ बहुत ज्यादा लो एंड ही इज गोना डाई एज TSM गेट अनदर चिकन डिनर फॉर फ्रॉम TSM एंटिटीज। सो जोनाथन हाउ आर यू डूइंग, हेलो एंड वेलकम। हेलो कैसा है जॉनी? हेलो कैन यू हियर मी? यस आई कैन हियर यू। व्हाट्स अप? What's up? I'm fine. अच्छा जोनाथन, मैं इस वाले मैच को नहीं थोड़ा सा पिछले मैच के टाइम पे जाना चाहूंगा जहाँ पे सेनॉक वाले मैच में किस तरीके का माइंडसेट था, क्या आपको लगा था कि वहाँ पे 2 से ज्यादा टीम है बिकॉज किल फीड आपने ऑलरेडी रीड तो करी होंगी बट किस तरीके का माइंडसेट था वहाँ पे? चिकन डिनर का तो ऑब्वियसली जा रहे तभी पेशेंट लेवल वहाँ पे हाई था, तो किस तरीके का माइंडसेट था वहाँ पे? सो हम लोग क्या कर रहे थे कि जो भी जोन के बाहर से आ रहे थे उनको फुल क्लियर कर करके हम आगे बढ़ रहे थे। okay. तो अपना जो भी किल फीड वो सब देखते हैं, सब हमारे चार जो मेंबर्स हैं सब देखते हैं किल फीड। सो उसके थ्रू अपनी उसको पब्लिक को मारते फिर निकल जाते जोन में, फिर आगे वाले मारते मारते जोन में निकल जाते हम लोग। अच्छा फाइनल जो 1 vs 1 था वो मेरे ख्याल से ज्यादा फायदा देखेगा बिकॉज 2 players ऑलरेडी वहां पे नॉक था, अगर नहीं होते तो 1 vs 3 क्या कैसे निकालता जोनाथन?
अरे मेरे टीम में थे, बोलते पुश पुश कॉन्फिडेंस तो उनकी दे देते, तो घुस के भर देता हूं मैं। पूरा टमाटर। मेरा आपसे एक सवाल रहेगा कि अभी तो ये यू नो साउथ एशियन रीजन का कंपटीशन है, इसके अंदर आप अपने आपको फर्स्ट पोजीशन पर अभी लेकर आ चुके हैं, आगे भी फर्स्ट चाहोगे। इसके बाद आते हैं और भी फाइनल्स होंगे, पीएमपीएल ग्रैंड फाइनल्स, उसके बाद वर्ल्ड लीग आती है, तो यहां से आपका माइंडसेट क्या रहेगा वर्ल्ड लीग के लिए, कि वहां पर बिकॉज ऑब्वियसली वहां पर और ज्यादा फियर्स कॉम्पिटिशन हो, तो वहां के लिए आप अभी क्या प्रिपरेशन कर रहे होगे? अभी फिलहाल हम लोग का मेन फोकस है वही वर्ल्ड लीग का है, उधर भी जाके सेम हमारा नेशनल गेम खेलना है, सब लोग को उधर भी समझ रहे <टपड़ाप। laughs> सही है। सो हमारा अभी मेन वही है वर्ल्ड लीग में, हम लोग का प्रिपरेशन अभी वर्ल्ड लीग के लिए। बढ़िया बढ़िया। अच्छा एक और चीज, आपका जो सब्स्टिट्यूशन है, हम लोग किस सिचुएशन में गाथक भाई को देख सकते हैं? क्योंकि हम लोगों ने देखा कि नियो लास्ट वाले वीक बाहर बैठे थे, बट यहाँ पे किस तरीके आगे वाले आने वाले टाइम पे हम लोग देखेंगे गाथक भाई को आगे आने वाले टाइम पे, या तो फिर यही सेम स्क्वाड रोस्टर जब भी ये चारों अवेलेबल होंगे? वो तो अभी वो घातक देखता है, मतलब जो अच्छा थोड़ा लैक कर रहा है परफॉर्मेंस में, वो देखता है कि मैं अगर खेलूं तो जरा और कॉन्फिडेंस दिलाओ इन लोग को। सो वही वो देखते रहता है, हम लोग के पीठ के पीछे बैठा रहता है, कॉन्फिडेंस देता है, फिर और सब कुछ सिखाता है हम लोग को। जॉनी कैन यू प्लीज कोच अस, आई मीन हम लोग अभी न्यू प्लेयर्स हैं, अगर आप चाहो तो क्या हमें कोच करा दो प्लीज। आई एम आल्सो न्यू ब्रो। अरे कहां। चलो बढ़िया बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन जॉनाथन ऑन सेकंड विन, एंड आई होप यू कैन गेट दैट हैट्रिक चिकन डिनर। एंड पीछे से मैं देख रहा हूँ यहाँ पे नियो का आते हुए, ऑल द बेस्ट ब्रो, ऑल द बेस्ट सीरियसली। थैंक यू फॉर द इंटरव्यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर द गेम्स। हम आपसे फिर मिलेंगे कुछ ही देर में, और घातक भाई साइड में। ये कहाँ से निकले